यह है दुनिया की नेमत और यह है आखिरत की नेमत, इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप करना चाहें इस हदीस रसूल की रोशनी में कर सकते हैं। आज हमारी जिंदगी में जो मसाइल हैं, गुनाहों और पापों के पीछे जो हम भाग रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के सामने जवाब देने का एहसास नहीं है दिलों में। आज पुलिस से नहीं डरता कोई आदमी, कानून से नहीं डरता कोई आदमी, क्योंकि पुलिस से निपटने का तरीका भी उसे पता है, कानून से निपटने का तरीका भी उसे पता है। कोई ऐसा अकीदा होना चाहिए, कोई ऐसा नजरिया होना चाहिए, कोई ऐसी सोच होनी चाहिए जो यह बताए कि ये पुलिस पकड़े चाहे ना पकड़े, ये कानून पकड़े चाहे ना पकड़े, एक कानून ऐसा है कि जिसकी पकड़ से हम बच नहीं सकते, एक अदालत ऐसी है जहां हमें जवाब देना है वहां बच नहीं सकते। आप लोग माशाल्लाह बंबई के रहने वाले, बड़े शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हर इलाके में खुले, जरा आप जाइए देखिए, अब तो मस्जिदों में भी देखता हूं कैमरे लगे रहते हैं, नीचे लिखा रहता है यू आर अंडर सर्विलेंस, हिंदी में लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में है। अब यहां कैमरा लगा हुआ चोर भी चोरी करने से डरता है, अरे कैमरा लगा हुआ है सब रिकॉर्ड हो रहा है। एयरपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है कैमरा, कोई आदमी कोई गलत काम चीटिंग करने के पहले, गलत काम करने के पहले हजार बार सोचता है, सामने कैमरा लगा हुआ है, क्या उस अल्लाह ने हमारी निगरानी के लिए कोई कैमरा नहीं लगाया है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून, मेरे बंदो हमने तुम्हारे करतूतों को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए 24 घंटे तुम्हारे ऊपर कैमरा लगा दिया है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, वो लिखने वाले किरामन कातिबीन, वो बुजुर्ग फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। कहां से बचोगे, क्या जवाब दोगे उस अल्लाह को, उस अल्लाह के यहां? अरे हम जो करते हैं वो तो बात की बात है, हमारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तेरी जुबान से निकलने वाला एक एक जुमला रिकॉर्ड हो रहा है, सब पर नजर है उस अल्लाह की। हम राह चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, हमारी आंखें कहां कहां किस किस चीजों किस किस चीज का जायजा ले रही है वो परवरदिगार सब जानता है, उससे नहीं बच सकते। या लमु खाइनत अल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर, उस अल्लाह की शान तो ये, उसके इल्म का हाल तो ये है, उसकी कुदरत का हाल तो ये, वो आंखों की चोरी को भी जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, वो तो दिलों के भेद को भी जानता है, वो तो दिलों के रास को भी जानता है। आप मुझसे मुस्कुरा के मुसाफा कर रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन दिल में मेरे खिलाफ बुग्ज़ है, अदावत है। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपके दिल में क्या है अल्लाह को मालूम है। दिलों के अंदर छिपे हुए जज्बात और ख्यालात और एहसासात से भी वो रब्बुल आलमीन वाकिफ है। जरा सोचिए मेरे भाइयों, उस अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। ये एहसास अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, हम गुनाह करने के पहले हजार बार सोच تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।